वेलकम टू राजीव क्लासेस। मैं राजीव कुमार सिंह, सीएमडीएन फैकल्टी ऑफ राजीव क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 से 2.5 मंथ जो बचा हुआ है उसमें नीट के प्रिपरेशन को कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सको। जो गार्जियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो काइंडली ध्यान से सुने और गार्जियंस का इसमें क्या रोल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए और क्या फॉलो नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको कि इस साल नीट 2019 की बात करें तो पेपर एनटीए बना रहा है और ऑलरेडी एनटीए ने एक एग्जाम कंडक्ट कर रखा है जेईई मेंस अप्रैल का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूं कि जो एनटीए ने खास फोकस किया वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पे उसने फोकस नहीं किया है। जहां मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना तो वहां मीडियम, डिफिकल्ट और आपका हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन एनटीए ने जो क्वेश्चन फोकस किया है वो मीडियम और थोड़ा सा डिफिकल्ट पे फोकस किया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पे फोकस नहीं किया है। जैसे मैं आपको बता दूं फिजिक्स की बात करें तो छोटे छोटे फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं रहता है जिसकी वजह से उनका स्कोर खराब आ रहा है। पहले मैं बता दूं कि नीट 2018 का जो डेटा रहा है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो पेपर एनालिसिस है वो क्या कहता है, तो मैं बताता हूँ उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। लगभग 55 to 60% क्वेश्चन आपके क्लास 12 पोर्शन से आएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 55 to 60% पोर्शन क्लास 12 के रहेंगे और 40-45% क्लास 11 के पोर्शन रहेंगे। तो आपकी खास फोकस होनी चाहिए कि क्लास 12 के पोर्शन ना छूटे और एज कंपेयर टू क्लास 11 के पोर्शन, 12 के पोर्शन इजी हैं। तो आपके जो टारगेट होना चाहिए वो बहुत ही सोच समझ के करना है आपको कि कौन सा चैप्टर को छोड़ना है, कौन सा चैप्टर को आपको सही तरीके से पढ़ना है। तो मैं बताता हूं, आपको सपोज कीजिए कि 12 पोर्शन की बात करें तो उसमें मैं फिजिक्स की बात करूं तो काइंडली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न पे फोकस करें। लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस आने वाला है, इनसे चांसेस है होपफुली। और क्लास 11 की बात करें तो मैकेनिक्स, मैक्सिमम नीट के बच्चे मैकेनिक्स से बहुत डरते हैं, लेकिन मैकेनिक्स से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा रहता है। लगभग पिछले साल 11 से 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स से था। तो आप सोचो कि फिजिक्स में अगर आपने मैकेनिक्स अच्छे तरीके से अप टू रोटेशन और क्लास 12 के पोर्शन भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आराम से 30-35 क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। इंडिया के किसी बच्चे से आप बात करो जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फिजिक्स में डर लगता है। क्यों डर लगता है, इसका रीजन थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। इससे जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें देख ले कितना ज्यादा वो चैप्टर कैलकुलेटिव है और कितना ज्यादा उसमें विदाउट कैलकुलेशन या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें ज्यादा इंटीग्रेट डिफरेंशिएट आप नहीं कर पा रहे हो तो काइंडली उन चैप्टर्स को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली आप साइड करो कि ठीक है ये नहीं हो पा रहा है, आप दूसरे चैप्टर पर फोकस करो। ये पहला आपका स्ट्रेटजी फिजिक्स के लिए होना चाहिए। मैं फिजिक्स के लिए एक और चीज आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को कंप्लेन होता है कि सर हम केमिस्ट्री में तो 40-45 कर लेते हैं, आपका बायोलॉजी में अराउंड 80-85 कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में 20-25 होता है। देखो फिजिक्स में एज कंपेयर टू केमिस्ट्री और बायोलॉजी कम होगा, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपका टारगेट 560-570 से ऊपर है तो फिजिक्स में आपको कम से कम 35-36 क्वेश्चन करने होंगे। इसलिए आप क्लास 12 के पोर्शन प्लस 11 के पोर्शन मैकेनिक्स और हीट पोर्शन को आपने कर लिया, काफी हद तक कवर अप हो जाएगा। जिसको मैकेनिक्स टफ लगता है तो हीट वाले पोर्शन एसएचएम वेब पे फोकस करें, लेकिन फंडा बस क्लियर होना चाहिए कि 35-36 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री पे आते हैं तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का इक्वल वेटेज रहा है ऑलमोस्ट। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, एनटीए ने इस बार भी खास फोकस किया है, छोटे क्वेश्चन पे फोकस किया है। जैसे एग्जांपल बता दूं केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर का फोकस किया है, तो थोड़ा सा खास फोकस आपको रखना है कि फॉर्मूला याद रहे। ऑर्गेनिक में जो आपको आपके पास नोट्स है वो मोर देन सफिशियंट होता है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको फॉलो करें, इनसे काफी हद तक क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक में कवर अप हो जाएगा। किसी भी पोर्शन का वेटेज बहुत ज्यादा कम नहीं है, तीनों इक्वल है, इसलिए तीनों पे आप ध्यान से फोकस करें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की बात करें तो। अब आते हैं बायोलॉजी पे, तो इसमें 2 सेक्शन है, बॉटनी और जूलॉजी।
बॉटनी पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 59 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, और बाकी बात करें 31 क्वेश्चन जो है आपका ये जूलॉजी से था। तो खास फोकस करें कि आपको बॉटनी पोर्शन सही तरीके से क्लियर रहे। तो बॉटनी की बात करें तो जेनेटिक्स और बायोटेक और इकोलॉजी, इन सब से मिला के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन था। तो काइंडली इन चैप्टर्स पे आप खास फोकस करें, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन पोर्शंस को एनसीईआरटी को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो भी जिस कोचिंग सेंटर का भी आप सीट फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो राजीव क्लासेस का सीट फॉलो कर रहे हैं, चाहे जो आरसीएन सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो काइंडली अपने सीट्स को ही प्रॉपर वे बनाएं और एनसीईआरटी को प्रॉपर वे फॉलो करें। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर मारते रहते हैं और एनसीईआरटी पढ़ना भूल जाते हैं। प्लीज काइंडली माय डियर स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफी क्वेश्चन रहा है, 15-16 क्वेश्चन आता है, तो काइंडली ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से। बायोलॉजी में जब तक 80 क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, तब तक नहीं होगा। अभी देखिए, ये तो मैंने आपको चैप्टर का वेटेज बता दिया, मोर और लेस इसी के आसपास आएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, एग्जाम से लगभग 60-65 दिन के अंदर आपको नए चीजों को नहीं छूना है। आपने जो पढ़ रखा है बस उसी को पढ़ो, कोई नया चीजों को आप फॉलो मत करो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत बनाओ इसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो, खासकर फिजिक्स में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना चला जाए। सिर्फ जितने पेपर आप पहले बना चुके हो उन्हीं पेपर्स को आप बार बार सॉल्व करो, कुछ नए पेपर्स को मत अटेंड करो। पता चला ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करवाएगा माय स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है कि जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उन्हीं को फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नई नई बुक खरीद लेते हैं लास्ट टाइम में, नए नए टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। नहीं, ये सब अच्छे आइडियाज नहीं है। आपने जो ऑलरेडी जितना नोट्स आपने बना रखा है, जो नोट्स आपके पास है, एक ही नोट्स को फॉलो करो और उसी को 10 बार पढ़ो। एक ही चीज को बार बार आपको सक्सेस दिलाएगा। नई नई चीजें पढ़ने से कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है। एक बात आपको और समझना है कि आपको अगर नीट अच्छा रैंक लाना है तो 550 से ऊपर स्कोर लाने हैं। 550 का मतलब आपके सिलेबस 85% कंप्लीट होने चाहिए। तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा अब देखो, ये जेई एग्जाम नहीं है ना कि अपने चैप्टर छोड़ देंगे और 50% में सिलेक्शन हो जाएगा। नीट में तो आपको 90% सिलेबस को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखना होगा आपको। तो इन बातों को थोड़ा सा खास ध्यान रखें। और जैसे हम लोग हर 5 दिन पे टेस्ट करवाने वाले मार्च में, तो हर कोचिंग सेंटर में इस टाइप का स्ट्रेटजी मोर और लेस फॉलो हो रही होगी, चाहे वो कोटा की बात करें या कोलकाता में राजीव क्लासेस की बात करें। तो आप टेस्ट को जितना ज्यादा दोगे, जितना ज्यादा आप यूज टू हो जाओगे, उतना अच्छा है। तो आप काइंडली टेस्ट ज्यादा दो, एक ही पेपर को बार बनाओ, अपने जब मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। और 65 का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, आप लगभग 130 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। मतलब 65 डेज बहुत दिन होता है। तो आप मेरे इन सेशंस को थोड़ा फॉलो करें। जो गार्जियन मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, काइंडली अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उनको रेगुलर मोटिवेट करें। रिजल्ट हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आप काइंडली मेहनत पे फोकस करें। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। गार्जियंस के लिए मैसेज है कि वो बच्चे को थोड़ा सा टाइम को डिवीजन करना सिखाएं, उनके साथ थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें कुछ 2-3 मंथ के लिए, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। और ऐसे ही मैं वीडियो और पोस्ट करूंगा, और आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और अगर आप खुद पे भरोसा है आपको, तो आप डेफिनेटली नीट क्रैक कर पाओगे। और बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, काफी अच्छा होगा। मैं यही बोलता हूँ बार बार कि अगर खुद पे भरोसा है तो कोई भी जंग दुनिया का जीत जा सकता है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू।